हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में आयुर्वेदा स्टूडेंट फॉर यू। आज हम बात करने वाले हैं जो कि क्रिया शरीर का जो कि फोर्थ चैप्टर है, दोषों का स्वरूप एवं उसके कर्म एवं उसका स्वरूप। तो हमने अभी तक जो दोष पढ़े हैं कि स्वात होता है, पित्त होता है, कफ होता है, ये दोष होते हैं। पर ये दोष कहाँ से आते हैं, कैसे जनरेट होते हैं, कैसे हम इनका पता लग सकते हैं, वो आज हम यहाँ पर बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पित्त नहीं वात की, वात दोष जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, वात दोष की जो है कि उत्पत्ति क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर एक श्लोक का थोड़ा सा जनरली टाइम ज़्यादा हम लेंगे नहीं, थोड़ा सा लेंगे कि जो है कि यहाँ से यहाँ तक का जो श्लोक है उसका मीनिंग क्या है और कैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में उसको समझेंगे। ठीक है, तो वा गति गंध, ये वा गति गंध और इनकी जो जानकारी देता है, मतलब गति मतलब मूवमेंट, हमारे बॉडी में जितने भी मूवमेंट होते हैं प्लस जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं, मतलब सांस के मतलब जिसके द्वारा हम सांस के द्वारा हम जो स्मेल कर पाते हैं उसी को वात बोला है। इस धातु में तत् जो है कि प्रत्यवते तो छोड़ो, यहाँ से लिखो कि इसलिए वात का अर्थ होता है गति। गति का तीन प्रकार की होती है, ज्ञान गति, गमन और प्राप्ति। ठीक है, शारीरिक गति, ज्ञान की गति, प्राप्ति, ये मतलब इस तरीके से बताया गया है कि मतलब जो गति होती है वो हम थिंकिंग मतलब एक मन लग जाता है कि कहीं हम तो लंदन चला गए, लंदन से वापस भी आ जाते हैं, ये गति हो गई मन की। ठीक है, ये हो जाती है, प्लस गंध भी होता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो है कि बस इतना ही करना है आपको, इसकी नाम, इसकी उत्पत्ति भी बोला जाता है इसको कि उत्पत्ति जो होती है वात पित्त कफ की यहीं से होती है। ठीक है, अब उसके बाद हम जो सेकंड बात करेंगे वो बात करेंगे पित्त की। तो पित्त में बस इतना सा श्लोक रहता है तब संताप है। ठीक है, कोई पूछे कि व्हाट इज़ द उत्पत्ति ऑफ, उत्पत्ति कहाँ हुई है पित्त की, तो ये लिखना आपको तब संताप है कि पित्त की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, तब संताप है। यदि भी आप कोई भी लॉन्ग मार्क क्वेश्चन आएगा आपको, तो आपको पहले उत्पत्ति लिखनी पित्त की, पित्त का गुण क्या होता है, पित्त का कर्म क्या होता है, प्राकृत कर्म क्या होता है, कैसा स्वरूप होता है, क्या वृद्धि क्या होती है पित्त की, पित्त का क्षय क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है, तो पित्त संताप होता है। ठीक है, पित्त संताप के बाद में बात करें इसका अर्थ होता है। ठीक है, पित्त संताप का इसका अर्थ होता है देह और उष्ण करना। अतः शरीर में जितनी भी अग्नि कर्म होता है, जैसे कि स्टमक में जलन होती है, मतलब जो इरिटेशन होती है ज़्यादा पित्त बढ़ जाने से होती है, बॉडी में जो टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो पित्त को माना जाता है कि पित्त जो होता है कि बढ़ा हुआ है। ठीक है, रेडिशनल हो जाती है, आँखों में पूरा जो ब्लरी में बढ़ जाता है तो पित्त ज़्यादा हो जाता है। ये सब हमारी डे टू लाइफ में हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं कफ की। तो कफ में हम बोलते हैं श्लेष में ना आलिंगना, मतलब कफ यदि किसी भी व्यक्ति में कफ ज़्यादा रहेगा, मतलब कोई भी व्यक्ति फेट ज़्यादा है तो उसके अंदर क्या होगा कि उसकी स्तंभन शक्ति, मतलब जो उसका अंदर जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। इसका अर्थ यहाँ पर देखे रखा है कि इसका अर्थ होता है, ठीक है, इसका अर्थ होता है मिलन, संयोग और आलिंगन। आलिंगन का मतलब होता है कि स्ट्रेंथनिंग। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग उसका मतलब होता है कि वो सबको ज्वाइन करके रखता है। क्या करके रखता है, ज्वाइन करके रखता है एक जगह, इसको इसी जगह जो है कि ज्वाइन करके रखता है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम बात करते हैं, यही होगा। तो तीनों की हमने बात कर ली, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात कर ली वात की। तो वात में क्या होता है, वात गति और गंध के लिए इम्पोर्टेंट होता है, मतलब वही उसकी उत्पत्ति होती है। पित्त मतलब पित्त संताप है, मतलब कि उसमें थोड़ा सा क्या होगा कि जो हम बात करेंगे कि उसमें थोड़ा सा होर्डनेस रहेगी। ठीक है, श्लेष में तो मतलब संयोग रहेगा कि थोड़ा सा उसके अंदर एक दूसरे को ज्वाइन करने की कैपेसिटी रहेगी। ठीक है, ये तो हो गया उसका स्वरूप, है ना। अब हम बात करते हैं उसके गुण की, कि वात की क्या गुण है, पित्त का क्या गुण है, कफ के क्या गुण है। तो इसके ऊपर मैंने एक बार पहले वीडियो बना दिया है नष्टांग हृदय पर, एक बार मैं आपको ये समझा देता हूँ कि क्या होता है। इसको हमने अष्टांग हृदय में भी पढ़ना, इसलिए उसको श्लोका जो है कि अष्टांग हृदय का ही लो। तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिल, क्या क्या अलग करना है। गुण की बात करेंगे तो रफ, रुक्ष मतलब रफनेस, लघु मतलब लाइट, पित्त शीत मतलब थोड़ा सा ठंडा, खर मतलब खुरदुरा रफ, सूक्ष्म की बात करें तो छोटा माइन्यूट, चला मतलब मूवमेंट, ये सब होते हैं। अनिल का मतलब यहाँ लेना है वात से। ठीक है, क्या लेना है, वात से, ये इसका गुण नहीं होता,
ये इसके ये होता है, क्या होता है वाद से, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग आपको मैं बता देता हूँ, ये रहा यहाँ से पूरा, बस ये बताना है विचरण करने वाला, ठीक है। ये इसके गुण माने जाते हैं, ठीक है। कितने गुण हो गए, रुक्ष, लघु, शीत, खरा, सूक्ष्म, चला, छः गुण होते हैं इसके बात के। उसी प्रकार इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देन हम बात करते हैं पित्त के गुण। तो पित्त में हमको करना ऐसा इसने नहीं सॉरी पित्त का अष्टांग हृदय का श्लोक करना हमको, पित्तम स स्नेह तीक्ष्णो उष्णम लघु उष्णम सरम द्रवम, ठीक है। तो इसमें कितने गुण होते हैं, स स्नेह तीक्ष्ण उष्ण लघु विष्ण सरम, है ना, और द्रवम। 1 2 3 4 5 6 6 गुण 7 गुण होते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। कौन कौन से गुण होते हैं वही हम हिंदी में पढ़ लेते हैं इनको। ईसत स्निग्ध मतलब स्लाइटली अनयूटियस, मतलब थोड़ा सा चिपचिपा, थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट होगा। उष्ण मतलब हॉट होगा, तीक्ष्ण मतलब शार्प होगा, द्रव मतलब थोड़ा सा लिक्विड होगा, सर मतलब फ्लोइंग पानी जैसा हो सकता है, फ्लो हो सकता है, कटु मतलब थोड़ा सा, मतलब इस टेस्ट के ऊपर बताया कटु मतलब थोड़ा सा कटना, रुक्ष मतलब बहुत ज़्यादा रफ, और इसके बाद में हम रहते हैं लघु की, ये ना ये देखो यहाँ पर बहुत सारे गुण हैं। ये गुण किस हिसाब से है, क्योंकि अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग मत दिए हैं, उसके हिसाब से जो है कि यहाँ पर जो देख रहे हो को रुक्ष है ये थोड़ा सा अलग आ गया, विशद और ये जो गुण है ये अलग आ गया है। बाकी अपने को क्या करना है, अपने को सिंपली जो यदि समझना है वो यहीं से समझना है, और आपको और सिंपली समझना है अलग अलग डिटेल में तो मेरे वीडियो में चले जाना, फर्स्ट वीडियो मेरा वही है, ठीक है। वहाँ से जाके देख सकते हो आप चैनल को सब्सक्राइब करके। देन हम बात करते हैं कफ की। तो कफ के जो गुण होते हैं वो होते हैं, फिर से हम जो है कि अष्टांग हृदय का श्लोक लेंगे, स्निग्ध शीतो गुरु मृंद सलक्ष्ण मृतस्न स्थिर कफा। कफ को तो हटा दें हम, कितने गुण हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 गुण ले लिए हमने, ठीक है। कौन कौन से, स्निग्ध क्यूटियो, सीतो सीतो मतलब कोल, गुरु मतलब हैवी, मंद मतलब थोड़ा सा स्लो, सलक्षण मतलब क्या होता है, सलक्षण मतलब होता है शार्प, ठीक है, थोड़ा सा शार्प होता है, ठीक है। मृतस्न मृतस्न स्थिर, स्थिर मतलब स्टेबल, ठीक है। तो इस प्रकार कितने हो जाते हैं हमारे, 6 गुण हमने मान लिए, कितने 6 गुण, ठीक है। और जो है कि सलक्षण जो मतलब होता है उसका, सलक्षण मतलब फाइन, और मृतस्न मतलब स्टीकी, ठीक है, और मृदु मतलब बहुत स्लो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर आ जाती है, यही हमारे जो होते हैं गुण होते हैं, ठीक है, ठीके? यही अपने को गुण करना है, और यहाँ से इसका हिंदी मीनिंग मत लेना, बस इन्हीं का जो हिंदी है वही लिख देना, ऐसा कैसे लिख देना इसको हिंदी में, या फिर इंग्लिश में आप लिख सकते हो, ठीक है, इनका मीनिंग, ठीक है। देन हम बात करते हैं इसके सामान्य कर्म की। तो सामान्य कर्म हम जो करेंगे जो कि हमको अष्टांग हृदय में भी काम आ जाए, उस सब्जेक्ट में भी काम आ जाए, इस सब्जेक्ट में भी, दोनों जो कि हमको प्लस मार्क मिल जाए और हमको याद भी रहे, और वो सिंपल टेक्निक से कर लो तो अच्छा ही होगा। इसमें थोड़ा सा बड़ा दे के रखा है, नहीं नहीं ये भी नहीं है, हाँ दिस इज़ अबाउट दैट, यही है हमारा अष्टांग हृदय का, ठीक है, ये रहा जिसमें हम बात करते हैं श्लोक का, बायोडेट हो जाता तो कर लें, तो हिंदी में नहीं जरूरी है। उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तने सम्यगत्या च धातूनाम अक्षराणाम पाठवेन च अनुग्रहणत्य अविकृत, ठीक है। पहले तो ये समझ ले कि ये गति, गति को हम यहाँ से लेंगे कि गति हमने पहले ही पढ़ ली कि वायु से क्या होती है गति, मतलब यहाँ पर जितने भी काम हम रनिंग में मूवमेंट में जो करते हैं वही हमको यहाँ लिखना है, पहले तो ये समझ लें, ठीक है। तो ये हो चुका है, इसके अंदर हम बात करते हैं कि क्या क्या टाइप आते हैं। तो अविकृत बात मतलब जो प्राकृत बात है, मतलब एक नॉर्मल बात कैसी होती है, वृद्धि और क्षय की बात करेंगे आगे, ठीक है। पर एक नॉर्मल क्या है, नॉर्मल में होता है कि हम जब उत्साह करते हैं, मतलब हमारे अंदर जो एंथुसियाज्म है, हम कोई भी काम होगा तो एक्टिवेट होना, ठीक है, वो बात होता है। उच्छ्वास मतलब हम जो श्वास लेते हैं, निश्वास जो सांस छोड़ते हैं, समस्त चेष्टा मतलब जिन ज्योति जो भी बॉडी एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, मल आदि वेगों का प्रवर्तन मतलब जब हम भी जो भी स्टूल वगैरह यूरिन जो मैच्यूरेशन करते हैं वो ठीक हो,
ठीक है। उसी उसके बाद हम बोलते हैं कि रस धातु के सम्यक गति और इंद्रियों के सुस्त, मतलब क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा कि सात धातुएं होती है, कितनी धातु है, सात जो है कि धातु मानी जाती है अपनी, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र। यदि वो सातों धातुएं ठीक प्रकार से काम कर रही हो, ठीक है, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र, इनकी जो है कि जिनके जो क्षय हैं, इनके जो सामान्यकरण कर्म है, प्रेरणम जीवनम लेप स्नेह धारण पूर्णे गर्भोत्पादच्च यत्क्रमात् विशेष विशेषण। तो ये यदि कर्म, मतलब जो श्लोका में मैंने बताया कि ये सारे कर्म जो है कि छः सात के साथ में कर्म सारे ही नॉर्मल हो, मतलब हमारी जो बात है वो प्रॉपर है, ठीक है। उसी प्रकार हम बात करते हैं कि अपने अपने कर्म में प्रवृत्त रहने और कर्मों की पालन, मतलब शरीर का जो पालन करना, उसका पोषण करना, उसको धारण करना, जो सही से हाथ कर रहा हो, है ना, उसकी को हम बोलेंगे कि ये प्राकृत बात होते हैं। तो हमको क्या करना है, इतना सब पूरा डिटेल में यदि हो सकता है तो याद करें। यदि श्लोका नहीं होता है तो आप सिंपली जो है कि इसका हिंदी मीनिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ टर्मिनल, जो कि आपको ऐसा समझ में आना चाहिए कि हाँ ये हमको चिकित्सा में यूज़ है, चिकित्सा में यह काम आना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार हम बात करते हैं पित्त के सामान्य कर्म की। तो फिर से हम भाई अष्टांग हृदय का श्लोका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये रहा पित्त, ये यहाँ पर देख रखा है आपको, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस श्लोका तो समझना ही है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको श्लोका स्प्लिट करके पढ़ना, तो जिससे क्या होगा, इजी होगा। पहले हम हिंदी हिंदी पढ़ लेते हैं इसकी, कि पित्त शरीर के पचन में उष्णा उष्मा की उत्पत्ति दृष्टि कर्म रुक रुक छुदा छुदा मतलब होती है हंगरनेस, ठीक है, तृष्णा मतलब रुचि, ठीक है, और क्रांति एंड देन मेधा बुद्धि शौर्य लघुता मृदुता मृदुता आदि कर्मों को जो करता हुआ उसका धारण तथा पालन करता है उसी को हम बोलते हैं पित्ता। ये हमने हिंदी में पढ़ लिया, उसको करना है उसको संस्कृत में लिखना। देखो पित्त हो गया, पक्ति मतलब क्या हो जाता है, पचन, ठीक है, पक्ति मतलब हो जाता है पचन, उष्मा मतलब थोड़ी सी उष्मा की उत्पत्ति, दर्शन मतलब जो दृष्टि का कर्म, ये यहाँ से दूसरी का कर्म, कर्म ये इसका कर्म हो जाता है, ठीक है, ये सारे कर्म है इसका, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ठीक है, देन ये हो जाता है इसकी श्रुत और इसका ये तृढ़, मतलब उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर भूख लगना प्यास लगना, रुचि रुचि मतलब खाने की रुचि होना, तो ये रुचि और ये क्रांति प्रभा मेधा और ये बुद्धि मतलब धी, ठीक है, और ये शौर्य और ये मृदुता तनु मृदुता मतलब शरीर के अंदर सॉफ्टनेस बना रहना, शौर्य मतलब एक अलग ही ब्रेवनेस, थोड़ा सा अलग ही दिखना, और थोड़ा सा क्या है कि बुद्धिमान जो पित्त प्रकृति के होते हैं, थोड़ा सा इंटेलेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा इंटेलिजेंस होते हैं। तो यही होते हैं इसके सारे गुण, सॉरी गुण नहीं, इसके जो कर्म होते हैं सामान्य कर्म। उसी प्रकार हम पढ़ते हैं कफ के सामान्य कर्म। तो कफ के जो सामान्य कर्म हैं और वो जो है कि इस प्रकार हैं, सॉरी ये रहा यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा श्लोका है, ये रहा श्लेष्म स्थिरत्व स्निग्धत्व संधि बंद क्षमा दि भी, क्या क्या है, श्लेष्म स्थिरत्व स्निग्धत्व संधि बंध क्षमा दि भी, ठीक है। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा लेना अपने को कि श्लेष्मता, जिसके अंदर जो श्लेष्म हो, यदि हम कफ देखें शरीर में किसका कफ बड़ा हुआ है या किसका कफ सामान्य है, जिसके अंदर शरीर की स्थिरता, ठीक है, जिसके अंदर जो स्टेबल हो शरीर, स्निग्धता मतलब जो थोड़ा सा स्किन भी थोड़ा सा ऐसा नहीं कि पूरा रफ, थोड़ा सा हाँ ठीक है सॉफ्ट हो, और जिसकी संधि बंद क्षमादि भी मतलब जिसकी संधि मतलब जिसका जो जॉइंट है वैसा नहीं हो कि मतलब जॉइंट डिसलोकेशन बहुत जल्दी हो जाता है, तो संधि श्रेष्ठता, ठीक है। क्षमा अर्थात सहिष्णुता, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी क्षमा कर दे किसी भी कोई भी बात हो तो, ठीक है हाँ ठीक है। तो यही सब उसके प्राकृत कर्म होते हैं और यही हमारा चैप्टर का पूरा व्यू था। एक बार और आपको मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ पूरा, कि हमने फोर्थ चैप्टर में क्या क्या समझा, काफ़ी
जो है कि आयुर्वेदा एक्सेप्ट इसमें निपट चुका है, और मैं चाहूँगा कि आप इसको जल्दी से जल्दी याद कर लें ताकि आपको आगे भी प्रॉब्लम ना हो, पेपर अच्छे जाएँ आपके भी। तो यही होते हैं कि वागति गंधेयों की जो वात का जो नियुक्ति होती है वो वात से मतलब गति और गंध से होता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं पित्त की, तो पित्त संताप है मतलब जिसमें अग्नि हो, पित्त हो, संताप हो, तेज हो, उसी को हम बोलेंगे पित्त। उसी प्रकार कफ की बात करें, श्लेष्म आलिंगन जिसके अंदर श्लेष्मता आलिंगन दोनों हो, उसके अंदर ये कफ प्रकृति होती है, ठीक है, ज़्यादा होती है। इसके गुण की बात करें तो गुण हमने जो है कि अष्टांग हृदय का देखा था, तत्र रुक्ष लघु शीत खरा सूक्ष्म जल नीला, ये हमने श्लोका जो है कि देखा था। इसके अंदर हमने 6 कर्म बताए थे। उसी प्रकार पित्त की बात करें तो पित्त में हमने अष्टांग हृदय का ये श्लोका देखा था, पित्तम सहिष्णु तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सुरंद्रम, की पित्त के सारे 7 कर्म पाए जाते हैं, उसी प्रकार होते हैं। इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि किसका पित्त बढ़ा हुआ, घटा हुआ, कौन सा क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन ने किसी भी व्यक्ति में देखी है तो आप बता सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति में क्या है कि इसकी प्रकृति ये हो सकती है, ठीक है। उसी प्रकार हम बोलते हैं कि स्निग्धोषित गुरु मंद सलक्षण मतस्तना कफा, कि कोई भी व्यक्ति जिसकी बहुत ज़्यादा हेवी है, बहुत ज़्यादा मंद है, मतलब कुछ भी काम करेगा तो वो ढीला ढाला कर रहा है, स्थिर है, बैठा तो बैठे ही रहेगा, मतलब उसके अंदर कफ प्रकृति है, ठीक है। उसी प्रकार हम बात करते हैं इसके सामान्य कर्म की, तो सामान्य कर्म जो होते हैं वो हम भी एज दैट ऑफ दी अष्टांग हृदय जैसे ही पढ़ रहे हैं कि उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तन सम्यक इत्याच धातुनाम पाठवंच अनुकृत्य अविकृतस्य, कि ये सारी चीज़ें उसके अंदर होगी तो वो क्या होगा कि वात प्रकृति होगा, ठीक है, वात प्रकृति माना जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। उसी प्रकार हम पित्त प्रकृति में जब देखते हैं तो पित्त प्रकृति में क्या क्या आना चाहिए, कि उसको जो है कि उसका पाचन ठीक प्रकार हो रहा होगा, या फिर उसके अंदर जो है कि सारी उसको भूख लग रही होगी, उसकी रुचि हो, उसकी बुद्धि अच्छी हो, ये सारी तनु मार दो तो वो पित्त प्रकृति का, पित्त उसके सामान्य कर्म में है, ठीक है। उसी प्रकार हम बोलते हैं कफ, कफ की सामान्य कर्म क्या आ जाता है, तो कफ का क्या सामान्य कर्म आ जाता है कि उसके अंदर स्थिरित्व बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी हो, स्निग्धत्व हो, संधिबंद हो, कि उसके जॉइंट जो हो कि वो ज़्यादा स्टेबल हो, और समाधि भी किसी को भी इजीली काइंड हो, काइंड हो नेचर में। तो इसी प्रकार हमने ये चैप्टर जो है कि ख़त्म कर चुके हैं, और 4th, 5th चैप्टर आने हैं विशिष्ट कर्म क्या होता है उसके। तो चैनल को लाइक, चैनल को नहीं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।